आफ्टर ऑल एयर एशिया के साथ कौन सी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि एसोसिएटेड है, क्या चल रहा है मार्केट में, एंड अगर आपको एयर एशिया का केबिन क्रू बनना है तो कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस एयरलाइंस की आपको पता होनी चाहिए इस एयरलाइंस में अप्लाई करने से पहले। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हैशटैग नो बिफोर यू गो सीरीज। व्हाई नो बिफोर यू गो? बिकॉज जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर एयरलाइंस के बारे में जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये हैशटैग नो बिफोर यू गो सीरीज़ मैंने आज ही लॉन्च किया है। एंड इस सीरीज़ में मैं क्या करूँगा, जितने भी पर्टिकुलर एयरलाइंस हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं रिस्पेक्टिव वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आप लोगों को जब आप अपने इंटरव्यू देने जाएँ तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको वो लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं पढ़ने पड़े कहीं से भी, गूगल से या फिर कहीं से, जस्ट एक ये छोटा सा वीडियो विल बी मोर देन एनफ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। सो एयर एशिया इज बेसिकली एन इंटरनेशनल एयरलाइंस, पर अभी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे कहाँ एयर एशिया तो इंडिया में ऑपरेट होता है तो फिर वो एक डोमेस्टिक एयरलाइंस ही हुआ ना। एक्चुअली मैं उस चीज़ पे आता हूँ, पहले मैं एयर एशिया एज अ होल बात करने वाला हूँ एंड फिर एक छोटा सा सब्सिडरी जो उसका है एयर एशिया इंडिया, मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो एयर एशिया जो है वो 20th दिसंबर 1993 को फाउंड हुई थी बाय टोनी फर्नांडिस, जिन्होंने उस टाइम पे सोचा कि चलो एक कंपनी बनाते हैं एयरलाइंस जिसका नाम होगा एयर एशिया। बट एयर एशिया ने जो अपना ऑपरेशंस है वो 18th दिसंबर 1996 को कमेंस किया था। सो बेसिकली अगर हम कहें तो एयर एशिया को मार्केट में आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 27 ईयर्स हो चुके हैं। एयर एशिया का जो मेन हब है दैट इज इन कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन मलेशिया। एंड अगर एयर एशिया ग्रुप की मैं बात करूँ तो दैट हैज 8 सब्सिडरीज अंडर इट, मतलब एयर एशिया ग्रुप ने अपने अंडर 8 ऐसे सब्सिडरीज करके रखे हैं जो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक सपोज एयर एशिया एक्स, इंडोनेशिया एयर एशिया, तो इसी तरीके का एक सब्सिडरी एयर एशिया इंडिया भी है जो कि इंडिया में ऑपरेट होता है। तो आज का वीडियो पूरा का पूरा एयर एशिया इंडिया के ऊपर ही फोकस करने वाला है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे आफ्टर ऑल इतना सब कुछ एक किसी रिस्पेक्टिव कंपनी के बारे में जान के क्या फायदा। तो लेट मी टेल यू, जब भी आप किसी एविएशन फील्ड में या फिर सपोज नॉट ओनली एविएशन, आप कोई भी फील्ड में इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो ये पक्का से पूछेगी आपको कि अच्छा चलो बताओ व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाएँ तो उस कंपनी के बारे में ज़रूर से आपको पता होना चाहिए बिफोर हैंड। एयर एशिया इंडिया फर्स्टली फाउंडेड ऑन 28th मार्च 2013, बट एयर एशिया इंडिया ने अपना सबसे पहला ऑपरेशन कमेंस किया 14th ऑफ जून 2014 को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एयर एशिया इंडिया को आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स हो चुके हैं, 7 साल से ये पर्टिकुलर लो कॉस्ट कैरियर इंडियन मार्केट्स में ऑपरेट कर रही है। अगर दिसंबर 2019 के फिगर्स को हम कंसिडर करें तो एयर एशिया इंडिया स्टूड एट 5th प्लेस। फर्स्ट वॉज इंडिगो, देन स्पाइस जेट, देन एयर इंडिया, देन गो एयर, एंड उसके बाद वॉज एयर एशिया। तो एयर एशिया भी जस्ट ठीक ठाक चल रहा है, उतना ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है एयर एशिया का। तो अगर हम एयर एशिया इंडिया का बात करें तो इसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लाइक 51% स्टेक इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द टाटा सन्स एंड 49% इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द एयर एशिया इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। एंड अभी एयर एशिया के जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं बानमली अग्रवाला एंड जो सीईओ हैं उनका नाम है सुनील भास्कर। दीज आर जस्ट फॉर योर नॉलेज कि अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता हो। तो अभी हमको पता चल गया कि कितने परसेंट शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं एंड कौन 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 चेयरमैन है, कौन कौन सीईओ है। तो फिर अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर एयरलाइंस के बेस की इन इंडिया। तो ये जो एयरलाइंस है एयर एशिया इंडिया, दिस इज़ बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर इन कर्नाटका। जनरली सारे एयरलाइंस के जो भी बेस ऑफिसेज होते हैं, बेस एज इन जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो दिल्ली, गुड़गांव या बॉम्बे होते हैं, बट ये पर्टिकुलर एयरलाइंस के जो बेस है दैट इज़ इन बैंगलोर कर्नाटका। तो प्राइमरी हब हमें पता है कि प्राइमरी हब एयर एशिया का बैंगलोर है। अभी बात करते हैं सेकेंडरी हब्स की। प्राइमरी हब के साथ साथ सेकेंडरी हब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आप एक ही एयरपोर्ट पे अपने सारे के सारे एयरक्राफ्ट नहीं पार्क कर सकते, बिकॉज इफ समथिंग हैपेंस तो विद इन अ डे यू विल बी लूजिंग ऑल योर एयरक्राफ्ट। इसीलिए सेकेंडरी हब्स में भी हम एयरक्राफ्ट को पार्क कर देते हैं। अभी करेंटली अगर बात करें एयर एशिया का तो एयर एशिया के पास 30 एयरक्राफ्ट्स हैं, दैट इज़ A320s। A320s आर
एयरबस A320s एंड अलग अलग जो सेकेंडरी हब्स हैं एयर एशिया के, दैट इज इन न्यू दिल्ली, इन कोलकाता एंड इन बॉम्बे. तो ये जो 30 एयरक्राफ्ट्स हैं एयर एशिया के पास, ये या तो इक्वली रेशियो में या तो फिर यू नो अलग अलग रेशियो में अलग अलग बेसिस पे नाइट बेस होते हैं, बिकॉज एयरक्राफ्ट्स को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स भी होते हैं. तो इसी रीजन से अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग रीजन के फ्लाइंग के हिसाब से वहाँ पे उतने एयरक्राफ्ट्स को बेस किया जाता है. एयर एशिया के हम डेस्टिनेशंस की बात करें तो एयर एशिया फ्लाइज टू 21 डेस्टिनेशंस. ये बहुत जरूरी हो जाता है आपको देख लेना कि आफ्टरऑल एयर एशिया कौन कौन सी डेस्टिनेशन को फ्लाई करता है, बिकॉज सपोज वो हो सकता है आपसे सीईओ का नाम ना पूछे, वो हो सकता है आपसे चेयरमैन का नाम नहीं पूछे, वो हो सकता हो कि कब फाउंडेड है ये सब भी ना पूछे. सपोज आई एम फ्रॉम यूपी, तो वो मैं से पूछ सकते हैं कि आफ्टरऑल उत्तर प्रदेश में कहां कहां एयर एशिया फ्लाई करता है. तो मेरे पास एक रेडी आंसर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ फ्लाई करता है, वेदर वो उत्तर प्रदेश में फ्लाई करता है या फिर नहीं करता है. इसीलिए ये जो डेस्टिनेशन वाला चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए. अब देखो बात करते हैं अबाउट द रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी दैट इज अराउंड एयर एशिया. एक्चुअली में हर एक चीज़ का कुछ पॉजिटिव साइड तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव साइड भी होता है. तो एयर एशिया का नेगेटिव साइड ये है कि एक यूट्यूबर एंड पायलट बाय प्रोफेशन गौरव तनेजा, उन्होंने एक वीडियो अपना अपलोड किया था जहां पे उन्होंने एयर एशिया के कुछ बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में बताया. देखो बात ऐसी कि आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन आउट हियर, नॉट द एयरलाइंस एंड नॉट गौरव सर. बात सिर्फ इतना है कि अगर किसी बंदे ने कोई एक पॉइंट उठाया है तो उस पॉइंट के ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. एंड जस्ट मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि पैसेंजर सेफ्टी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. That needs to be the ultimate thing, because एक being a passenger हम इतना ज़्यादा pay करते हैं इसी चीज़ को लेके कि यार you know हम safely and on time अपने destination पे पहुँच जाएंगे. तो being a passenger हमारे साथ वो कोई धोखेबाजी वाला काम नहीं होना चाहिए, because जान सभी की important है. आप अपने चंद पैसों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 180 passengers के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो. गौरव तनेजा ने जो एलिगेशंस लगाए थे वो ये थे कि जो एयरलाइंस है वो अपने पायलट्स को 98% फ्लैप थ्री लैंडिंग्स का टारगेट देती है, कि इन अ मंथ आपको 98% अपने जो है लैंडिंग्स वो फ्लैप थ्री करने हैं. पर एज अ पायलट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लैप थ्री लैंडिंग ही सेफ हो, कभी कभार फुल फ्लैप लैंडिंग भी सेफ हो सकता है. तो यही सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहे हैं. DGCA भी अभी DGCA इज ऑल्सो इन टू द बिजनेस, अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है. बट इन दी एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पैसेंजर्स सेफ्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए. सो गाइज थैंक यू सो मच, बस यही था इस वीडियो में. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल तो आप मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे एयरलाइंस रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज आते हैं एंड एविएशन रिलेटेड जितने भी स्टफ्स रहते हैं सब वहीं शेयर करता हूँ. तो वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग एविएशन रिलेटेड कंटेंट वाले वीडियोज देखने के लिए. दैट्स इट फ्रॉम यू दैट एविएशन गाय. कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग.